बड़ा अच्छा सवाल है, मैन ब्राउड 27 हॉर्सेस, पेपर का आया हुआ सवाल एट ₹280 ईच, यानी एक घोड़ा 280 का के रेट पे उसने कितने घोड़े खरीदे? 27 घोड़े। 9 हॉर्सेस एट ₹320 ईच एंड 6 हॉर्सेस एट ₹360 ईच, फाइंड द एवरेज प्राइस पर हॉर्स। बड़ा अच्छा सवाल है, 27 घोड़े इनको M1 का नाम दे दूंगा और इनकी प्राइस 280 को X1, फिर 9 घोड़े इनको N2 का नाम दे दूंगा, इनके प्राइस X2 को 320, फिर N3 6 घोड़े इनके प्राइस को 360। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, और इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एक है पैकेट ए जिसकी कीमत है ₹600 और टोटल पैकेट ए कितने हैं 6। पैकेट बी है जिसकी कीमत है ₹400 और पैकेट बी कितने हैं टोटल 4। अब आपसे कह रहे हैं इनका एवरेज निकालो, तो देखो ये सवाल बन जाता है अर्थमेटिक में इनका। ये जो कीमतें इनको हम X1 X2 का नाम देते हैं, क्वांटिटी को हमेशा N1 और N2 का नाम देते हैं। फार्मूले में रख दो N1 X1, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 600 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 400 से, नीचे 6 प्लस 4 इधर हो गया 3600 प्लस 1600 या 10 5200, 10 और ये हो गया 520। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 9, 45 नंबर का एवरेज जो है वो 9 है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इज 10, इनमें से पहले 20 का 10 है, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 24 नंबर इज 8 और आखिरी 24 नंबर का क्या है 8 है, फाइंड द 21st नंबर। आपसे कह रही कैसा नंबर निकालना, सो भाई 45 नंबर का एवरेज 9 है, मल्टीप्लाई कर दो 405, फिर 20 नंबर का एवरेज 10 है, मल्टीप्लाई कर दो 200, फिर 24 नंबर का एवरेज 8 है, मल्टीप्लाई कर दो 192। अब अगर गौर से देखो तो यार इनका सम आ रहा है 392, 405 में से माइनस कर दो तो आंसर आएगा 13। दोबारा समझा रहा, ये साल बहुत रिपीट होता है इन्हीं वैल्यू के साथ कि 45 नंबर का एवरेज 9 है। चलो कैसे निकलेगा भाई, सम निकलाएगा 45 को 9 से मल्टीप्लाई, टोटल 405 सम है कितने नंबर का, 45 नंबर का, जिससे जैसे 20 नंबर का एवरेज तो क्या है 10 है, यानी 200 तो इनका सम हो गया, और आखिरी जो 24 नंबर है इनका 8 है, तो 192 इनका हो गया। अब एक जो नंबर बचा है, भला से कोई सा नंबर हो, 21वां नंबर बचा, 20 शुरू किया 24 आखिर में, तो वो किसके बराबर होगा, तो 405 में से माइनस कर दो 200 और 192। भाई 20 और 24 44 नंबर का सम ऑलरेडी हमारे पास पता है, एक बस एक ही नंबर बचा, उसका बहुत आंसर आ जाएगा, और वो कितना आ रहा है भाई 13 आ रहा है। जो बड़ा अच्छा सवाल है, बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग मेगा स्कोर ऑफ 85, तो जो उसकी 17वीं इनिंग थी बड़ी यादगार रही और उसने कितने रन बनाए 85, एंड देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3, अपना एवरेज 3 इंक्रीज कर लिया, इज एवरेज आफ्टर द 17, तो 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा। वेल एक बात ध्यान में रखो कि ये जो 85 रन बनाए ये सिर्फ 17वीं इनिंग का स्कोर है, क्योंकि 17वीं इनिंग में बनाए, तो इनिंग तो एक ही, इस इनिंग में इसने बनाए 85 रन, तो अगर इसका एवरेज पहले x था तो अब वो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। भाई 3 का इजाफा होने का मतलब है कि कितना हो गया x प्लस 3। वेल डियर फार्मूला तो फिर वही लगना है अर्थमेटिक मीन का, लेकिन क्या चीज़ किसके बराबर होगी ये बड़ी दिलचस्प बात है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन अब हमारी हो जाएगी x प्लस 3 और मुझे ये ही चाहिए। ठीक है, अब 17वीं इनिंग में उसने 85 स्कोर किया, 17वीं इनिंग तो एक ही हुई ना, इसमें 85 रन बनाए, इससे पहले इसका एवरेज कितना था x, तो टोटल पहले कितनी इनिंग्स होंगे भाई 16 होंगी ना, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, 16 प्लस 1 17 ये। अब हमने क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी,
जब एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 3 प्लस कर दीजिएगा, वैल वो एक्स वन की आ जाएगी। 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाई किया 17 एक्स, 17 को 3 से किया 51, 16 एक्स प्लस 85। सो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 34। और अगर एक्स की वैल्यू 34 है तो एक्स प्लस 3 34 प्लस 3 कितना हो जाएगा 37। और तो कमाल ही कर दिया था, अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में इन्होंने ये सवाल पूछा था। सवाल आखिर था क्या, इफ़ एक्स बुक्स कॉस $5 ईच एंड वाई बुक्स कॉस $8 ईच देन द एवरेज अर्थमेटिक लॉस्ट इन डॉलर पर बुक इज इक्वल टू। और देखो इस तरह से ऑप्शन है। अब यार प्रॉब्लम ये जो एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया इससे लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन घबराना नहीं है। सीधी साधी बात है कि एक्स बुक्स बुक्स की तादाद है, ये हमारा एन वन हो जाएगा। प्राइस को हमेशा हम एक्स वन मानते हैं तो एक्स वन फाइव हो जाएगा। एन टू बुक की तादाद वाई है और इनके जो प्राइस हैं वो एक्स टू हैं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। तो एन वन प्लस एन टू यानी एक्स प्लस वाई, और एन वन इंटू एक्स वन, फाइव को मल्टीप्लाई करो एक्स से प्लस एट को मल्टीप्लाई करो वाई से। सो जनाब सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन जी बड़ा अच्छा सवाल है। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज रुपीज 60। जो एवरेज फैक्ट्री है सारे के सारे वर्कर की, जो कि हमारा अर्थमेटिक मीन होता है बच्चों, ये हो जाएगा 60। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ एन ऑफिसर इज रुपीज 400। ऑफिसर्स की जो आ रही है वो 400 आ रही है एंड दैट ऑफ द रेस्ट इज 56। सैलरी है तो इसको एक्सन मानेंगे और बाकी रेस्ट की 56। ओके जी स्टाफ एक्स्ट्रो मान लेंगे। इफ द देयर आर 12 ऑफिसर्स द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री, यानी एन वन की वैल्यू 12 दी हुई है, एन टू चाहिए हमें। सो डेयर 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 फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। अर्थमेटिक मीन की जगह 60 पुट करो, एन वन की जगह 12 एन टू चाहिए, एक्स टू 56 है, एक्स वन 400 है। सो सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे क्या निकालेंगे हम फाइनली, एन टू निकालेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा जी। एवरेज ऑफ एम नंबर इज ए एंड द एवरेज ऑफ एन नंबर इज बी, व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। देखो एन वन बराबर हो जाएगा एम के, एक्स वन बराबर हो जाएगा ए के, एन टू बराबर हो जाएगा एन के, एक्स टू बराबर हो जाएगा पी के। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो यार एन वन एक्स वन प्लस एन टू एक्स टू, एन वन एक्स वन यानी कि एम को एन से एम को ए से मल्टीप्लाई करो ए एम, फिर बी को एन से प्लस बी एन, और नीचे होना चाहिए एन वन प्लस एन टू यानी के एम प्लस एन। तो जी ऑप्शन में देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, डी हो जाएगा मेरा। टू टॉप ऑप्टेन एन एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 14, व्हाट फ्रैक्शन मस्ट बी एडेड टू 15 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 27 एंड हाफ प्लस 11 प्लस 17। वेट अ मिनट, बात हो रही है कि एवरेज हम बनाना चाहते हैं 14, तो क्या फ्रैक्शन एडिट किया जाए, किसमें भाई 15 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 27 प्लस हाफ। अब देखो बाज़ार बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, हमें एक कोई फ्रैक्शन नंबर एडअप करना है जिसकी वैल्यू हम एक्स मान लेंगे, किन में इन नंबर में, कि उससे हमारा एवरेज है 14 है। देखो एक्स को अभी लीव कर दो, अभी कितने नंबर हैं 15 16 13 12 27 11 और 17 7, एक्स को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8। तो हम ये करेंगे इन 8 को प्लस करके 8 से डिवाइड करेंगे और इधर आ जाएगा 14। ओरिजिनल मेथड ज़ाहिर है काफ़ी लंबा है, 8 को 14 से मल्टीप्लाई करें 112 आ जाएगा और फिर एक्स की वैल्यू चाहिए होती है हमें। लेकिन एक तरकीब हम कर सकते हैं, देखो यहाँ देखो 11 और 17 28, 28 का एवरेज 14, तो इन दोनों को हटा दो, 15 और 13 का एवरेज भी 14 आ रहा है इनको भी हटा दो, 16 और 12 का भी आ रहा है, तो इसका लेवल सिर्फ दो नंबर बच गए,
27.5 और एक्स, इनका एवरेज भी कितना आ रहा होगा 14। एवरेज 14 अगर दो नंबर का आ रहा है तो इसका मतलब है इनका सम कितना होगा 28। एक अगर 27.5 है तो दूसरा क्या होगा, खाली हाफ 0.5, यानी कि आंसर ऑप्शन। अच्छा बड़ा अच्छा साले, ऑफ थ्री नंबर द फर्स्ट इज थ्री टाइम द सेकेंड इज डबल द थर्ड एंड एवरेज ऑफ थ्री इज 9, वॉट आर द नंबर्स? तो भाई ये नंबर्स क्या होंगे, क्या 42, 14, 7 होंगे? नहीं खराब, क्योंकि इनका एवरेज बहरहाल तो 21 आता है। क्या ये वाला हो सकता है? नहीं, देखो बात सुनो, ये भी इससे 3 टाइम, ये भी 3 टाइम होना ही चाहिए। फर्स्ट वाला सेकेंड वाले से 3 टाइम्स और फिर ये सेकेंड वाला थर्ड वाले से 2x। क्या किसी और में ऐसा है? यहाँ है भाई, देखो ना, 6 3 18 होता है, फिर 3 2 6, ये इससे 3 टाइम बढ़ा, ये 2 टाइम बढ़ा। अब देखना है क्या इनका एवरेज 9 है, तो जी 18 और 6 को प्लस किया, 24 और 3 27, डिवाइड किया 3 से 9। जी हाँ जनाब, ये आंसर हो जाए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे वॉज 80, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वॉज 84, दैट फॉर फ्राइडे बिंग 96, वॉट इज़ द टेम्परेचर ऑन मंडे? मंडे का टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो देखो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे का 80 था, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे का 84 था, और अगर फ्राइडे का 96 है तो 4 4 सा कितना हुआ 16, इसका लगभग 16 टेम्परेचर फ्राइडे को ज़्यादा पड़ा मंडे से। देखो ना, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 4 दिन है, टेम्परेचर 80, जैसे ही मंडे की जब फ्राइडे आया टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा होगा? तो देखो इसकी ट्रिक ये है कि भाई डेज 4, टेम्परेचर का डिफरेंस 4 4 16, इसका लगभग 96 में से 16 माइनस कर लो, मंडे का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, 8।